गुड मॉर्निंग, आज मेरा सिक्स एंड लास्ट डे सर्बिया में और आज मेरी फ्लाइट है 2:30 बजे की, दोपहर 2:30 बजे की आर्मेनिया के लिए। आर्मेनिया में येरेवान जो कि आर्मेनिया के कैपिटल है, और अब मैं जा रहा हूँ जेलनी विनैक, जहाँ से मेरे को लोकल बस मिलेगी एयरपोर्ट के लिए। अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो दो बस चलती है, एक A1 चलती है स्पेशल बस एयरपोर्ट के लिए, और एक बस नंबर 72 जो कि लोकल बस है। दोनों के फेयर में काफ़ी डिफरेंस है, एक बस है 100 रुपये की, एक बस है 200 रुपये की, इतना फ़र्क है। मतलब कि अगर दिनार में देखें तो जो 72 है उसके लगते हैं 150 दिनार, जो A1 है उसके लगते हैं 300 दिनार। अब मैं आप लोगों को अपने सर्बिया का टोटल एक्सपेंस बताता हूँ, जैसे कि मेरे वीडियो में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे 5.5 दिन था, 5 दिन तो हो ही गया है, आधा दिन आज है। सब मिला के मेरा टोटल एक्सपेंस आया यहाँ पे 7,000 रुपीस। सर्बिया में रहना सस्ता है, खाना सस्ता है, सिटी के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है। जो थोड़ा महंगा है वो है इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैं यहाँ से नोवी सैड गया, फिर नोवी सैड से सबोटिका जो कि बहुत ही महंगा है। मेन एक्सपेंस तो इसका ही आ गया। अगर इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट और कम हो जाए तो और सस्ते में आप सर्बिया घूम सकते हो। फिर भी 5 दिन 5.5 दिन 7,000 रुपये में नॉट बैड, पूरा सर्बिया जितना हो सकता था मैंने देखा। खास बात ये है जो सिम कार्ड एयरपोर्ट में 800 रुपये की है वही मैंने ली बाहर से 200 रुपये में, अभी भी वो चल रही है, डेटा उसका बाकी अभी भी। तो फिर जेलनी विनैक से बस नंबर 72 लेता हूँ और आप लोगों से डायरेक्ट में मिलता हूँ एयरपोर्ट में। ही मैं पहुँच गया हूँ निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेलग्रेड। टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11 बजने वाले हैं, 2:30 बजे की फ्लाइट है तो काफ़ी टाइम है। चेक इन ओपन होने का वेट करता हूँ और मैं आपको अपनी फ़्लाइट का डिटेल्स दे देता हूँ। मैंने जो फ़्लाइट बुक की है यहाँ से बेलग्रेड से येरेवान आर्मेनिया के लिए, येरेवान कैपिटल है आर्मेनिया का, मेरी ये एजियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है जो कि ग्रीक एयरलाइंस है, और ये फ़्लाइट मेरे को पड़ी है इंक्लूडिंग बैगेज 25 kg 9,500 की। बिना चेक इन बैगेज की फ़्लाइट मेरे को बहुत सस्ती पड़ रही थी, आई थिंक 7,000 रुपये के आसपास, बट चेक इन बैगेज की वजह से 2,500 मेरे बढ़ गए हैं। इस फ्लाइट पे चेक इन बैगेज बहुत महंगा है। बोर्डिंग पास मेरे को मिल चुका है मेरी फ़्लाइट का, और एक बात तो मैं बताना भूल गया, मेरी जो फ़्लाइट है सर्बिया से आर्मेनिया के लिए एक्चुअली एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है ग्रीस में। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा बेलग्रेड से एथेंस, एथेंस ग्रीस का कैपिटल है, फिर वहाँ पर मेरा 6 घंटे का स्टॉप ओवर है, थोड़ा लंबा है। फिर वहाँ से एथेंस से मैं जाऊँगा येरेवान, टोटल 2 फ्लाइट है मेरी और दोनों बोर्डिंग पास मेरे को मिल चुका है यहीं से। मेरा चेक इन बैगेज पूरा येरेवान तक चेकड हो चुका है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि ग्रीस आता है शेंगेन एरिया में, तो बहुत लोग सोच रहे हूँ कैसे मैं ग्रीस से ट्रांजिट कर सकता हूँ बिना शेंगेन वीज़ा के या बिना शेंगेन के ट्रांजिट वीज़ा के। पूरे शेंगेन कंट्रीज़ में सिर्फ 2 ही कंट्री है जहाँ पर आप ट्रांजिट करने के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, वो है जर्मनी एंड चेक रिपब्लिक। इन दोनों कंट्री के अलावा आप कोई भी शेंगेन कंट्री से ट्रांजिट करते हैं, मतलब कि दोनों एयरपोर्ट सेम है, टर्मिनल सेम है और दोनों फ्लाइट सेम PNR की है, एक साथ बुक करी गई है, आपके पास दोनों बोर्डिंग पास है, ये सब कंडीशन होनी चाहिए, तब आप बिना ट्रांजिट वीज़ा के आप शेंगेन स्टेट से ट्रांजिट कर सकते हो। ये डाउट मेरे को थोड़ा था लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मेरे को क्लियर हो चुका है। तो आप कभी भी किसी भी शेंगेन कंट्री से ट्रांजिट करते हो सेम कनेक्टिंग फ़्लाइट से तो आपको कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दोनों अलग फ़्लाइट हुई तब चांसेस पूरे हैं आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा या आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। तो मेरी दोनों सेम फ़्लाइट है, मैंने एक साथ बुक करी है, सेम PNR है और बोर्डिंग पास भी दोनों मेरे को यहाँ मिल चुका है, बेलग्रेड से एथेंस फिर एथेंस से येरेवान। तो मेरे को कोई भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं ग्रीस की। अब मैं आपको सीधे मिलूँगा, प्रोबेबली फ़्लाइट के अंदर मिलूँगा, जो मेरी एजेंस एयरलाइंस की फ़्लाइट है, उसके बाद सीधे आपको मिलूँगा एथेंस ग्रीस में। फ़्लाइट के अंदर आ गया हूँ, बहुत ही बेसिक एयरलाइंस है, एंटरटेनमेंट तक के लिए कुछ नहीं है।
एथेंस ग्रीस का कैपिटल, और फ्लाइट का जो ड्यूरेशन था डेढ़ घंटे का था, बट एक घंटे में ही सर्बिया से एथेंस पहुंचा दिया। अब मेरा 6 घंटे का लॉन्ग यहाँ पर लेओवर है, तो फिर अब मेरे को 5 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये है एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीस का, और मेरा जो गेट है, गेट नंबर जहाँ से फ्लाइट जाएगी, वो अभी अनाउंस शायद हुआ नहीं होगा, वो 2 या 3 घंटे पहले ही अनाउंस होगा। और हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ, जो एजियन एयरलाइंस है, ये ग्रीस की नेशनल एयरलाइंस है, और खाना बहुत ही बेसिक था, सैंडविच मिलते हैं। और किस चीज़ का सैंडविच पता है? ना आपने शायद कभी सोचा होगा ना खाया होगा, बैगन के सैंडविच। तो फिर बैगन के सैंडविच थे और साथ में एप्पल जूस था। फिर थोड़ी देर के बाद टी मिला, और टी के साथ ग्रैनोला बार मिला, बस इतना ही खाने को मिला। अब 1 घंटे की फ्लाइट में और क्या मिलेगा। एथेंस एयरपोर्ट पे 6 घंटे स्पेंड करने के लिए अच्छे खासे सोफे दिए हुए हैं, आराम से बैठो, सो जाओ, चैजो करो, और फ्री अनलिमिटेड वाईफाई है, तो टाइम स्पेंड आराम से हो जाएगा। दूसरी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई है एथेंस से येरेवान आर्मेनिया के लिए। सेम बेसिक एयरलाइंस, टोटल 2 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है।